ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले 60,000 से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग बीमारी की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, मेडिकल और पुलिस टीम पर हमले कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार से आया है। यहाँ पर समस्तीपुर जिले के एक गांव में कुछ लोगों ने पुलिस और मेडिकल टीम पर हमला कर दिया। हमले में आधा दर्जन पुलिस वाले घायल हो गए। बाद में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इंडिया टुडे से जुड़े जहांगीर आलम ने बताया कि समस्तीपुर जिले के रुपौली खुर्द गांव के कुछ लोग बाहर से आए हुए थे। प्रशासन को इस बारे में जानकारी मिली। ऐसे में मेडिकल टीम इन लोगों को गांव के स्कूल में क्वारंटीन करने के लिए लेकर गई, लेकिन गांव वाले हंगामा करने लगे। उन्होंने गांव के स्कूल में क्वारंटीन करने पर एतराज जताया, कहने लगे कि उन्हें किसी दूसरी जगह पर रखा जाए। गांव वालों ने एम्बुलेंस को घेर लिया। मेडिकल टीम और पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले नहीं माने। इसके बाद पुलिस और गांव वालों में झड़प हो गई। इसमें 6-7 पुलिस वाले जख्मी हो गए। वहीं पुलिस जीप और एम्बुलेंस को भी गांव वालों ने निशाना बनाया, उसको नुकसान पहुंचाया। इसके बाद विभूतिपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। आरोप है कि गांव वालों ने पत्थर फेंके। बाद में रोसड़ा डीएसपी के नेतृत्व में और पुलिस बल भेजा गया। काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांव में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। 3 पुलिसकर्मी जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। हाल ही में डॉक्टरों और मेडिकल टीम पर हमले को देखते हुए सरकार ने कानून में बदलाव किया था, अध्यादेश लेकर आई थी। इस अध्यादेश के तहत डॉक्टरों और अन्य हेल्थ कर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। हमला करने वालों पर 50,000 से 2 लाख के जुर्माने का प्रावधान भी है। इसके अलावा 3 महीने से 5 साल की सजा भी हो सकती है। वहीं गंभीर चोट के मामले में अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले का केस गैर जमानती होगा। गाड़ी या क्लिनिक को नुकसान पहुंचाने पर बाजार रेट से 2 गुना नुकसान हमलावरों से वसूलने की बात इस कानून में है। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।